छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, गुड। गुड मीन क्या था, कुल हंसनी होता क्या, कुल हंसनी, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ए फीमेल ऑफ गैंडर, ए फीमेल ऑफ गैंडर क्या हो जाएगा, ए फीमेल ऑफ गैंडर मीन कुल हंसनी होगा। और ऑप्शन नंबर सी में क्या है, हार्बोर, हार्बोर मीन्स क्या होता है, तो हार्बोर मीन्स होता है बंदरगाह, बंदर बंदरगाह होता है, हार्बोर मीन्स क्या होता है, तो बंदरगाह होता है, तो इसका वन वर्ड सिचुएशन ये किसका वन वर्ड सिचुएशन हो जाएगा, तो ए प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप मीन्स पानी वाले जहाज के लिए आश्रय का एक स्थान, से क्या कहते हैं, तो हार्बर, हार्बर मीन्स क्या होता है, तो बंदरगाह। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, हार्नेस, हार्नेस मीन्स क्या होता, तो होता है घोड़े की साज, घोड़े की साज, हार्नेस मीन्स होता है घोड़े की साज होता है। हार्नेस मीन्स क्या होता है, घोड़े की साज, तो होगा एन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट ऑफ ए हॉर्स, एन इक्विपमेंट ऑफ हॉर्स मीन्स क्या होता है, घोड़े की साज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे, इससे पहले दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए आए दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर लाइक एवं सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो, ए पियर्स ऑफ द रोप फॉर कैचिंग व्हेल्स एंड अदर लार्जर फिश, व्हेल्स एंड लार्जर फिश मीन्स ऐसा रस्सी जिससे क्या किया जाता है, तो बहुत बड़े मछली व्हेल और अदर बड़े मछली, व्हेल और अन्य बड़े मछली को क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है एक लंबा रस्सी से, इसका वन सिचुएशन क्या हो जाएगा, हार्पून, हार्पून मीन्स क्या होता है, तो हार्पून मीन्स मछली पकड़ने के लिए बर्छी या भाला होता है, बर्छी या भाला। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, हार्ट, ऑप्शन नंबर ए मीन्स हार्ट, हार्ट मीन्स होता है हिरन, हार्ट मीन्स क्या होता है, तो हिरन होता है, तो एन एडल्ट मेल ऑफ डियर, एन एडल्ट ऑफ मेल, एन एडल्ट में, एन एडल्ट मेल ऑफ डियर मीन्स क्या होता है, तो हिरन का यंग मेल, हिरन का जवान मेल को क्या कहते हैं, तो इसका होता है हार्ट। और ऑप्शन नंबर सी में क्या है, हेप्टागन, हेप्टागन मीन्स क्या होता है, तो सप्त, सप्त भुज होता है, सप्त भुज, हेप्टागन मीन्स होता है सप्तभुज होता है, हेप्टागन सप्तभुज, तो इसका क्या हो जाएगा, ये किसका वन ऑफ सिचुएशन हो जाएगा, तो होगा ए प्लेन फिगर, ए प्लेन फिगर ऑफ सेवन, सेवन क्या होगा, सेवन साइड्स, ए प्लेन ऑफ, सॉरी, ए प्लेन फिगर ऑफ सेवन साइड्स मीन्स क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सप्तभुज।
ऑप्शन नंबर डी में क्या है, हर्ड। हर्ड मीन्स होता है पशुओं का झुंड, पशुओं का झुंड। तो हो जाएगा ए नंबर ऑफ एनिमल, ए नंबर ऑफ एनिमल केप्ट फीडिंग, केप्ट फीडिंग टुगेदर, टुगेदर केप्ट फीडिंग टुगेदर होगा। तो आशा करते दोस्तों कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री है, ए प्लेन फिगर विथ सिक्स साइड, ऐसा समतल फिगर जो किसके साथ सात भुजा के से बना हो, इसका वर्णन सूचित्रण क्या हो जाए, हेक्सागोन, हेक्सागोन हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, हाईजेकर मीन्स अपहरण करता, अपहरण करता। ए पर्सन हु टेक पार्ट इन हाईजैक, ऐसा व्यक्ति जो हाईजैक करने में भाग लेता है, तो क्या कहते हैं, हाईजैकर कहते हैं। और ऑप्शन नंबर बी में क्या, हनीमून, हनीमून हो जाएगा, एम ओ एन हनी, सॉरी हनीमून, एम ओ डबल एन हनीमून होगा। हनीमून क्या होता है, सॉरी यहाँ पे हनी क्या है, हाइमोनिम, हाइनो मीन्स होता है कि श्रुति संभिनार्थ शब्द, हाइमोनिम मीन्स होता है श्रुति संभिनार्थ शब्द। इसका क्या हो जाएगा, यही होगा, ये गलत सही लिखा हुआ, हाइमोनिम श्रुति संभिनार्थ शब्द। और आगे आपको हनीमून के बारे में बताया जाएगा। तो क्या है, ए इसका होगा, ए बर्ड डैट इज द सेम इन साउंड एज एनदर बट डिफरेंट मीनिंग, बट डिफरेंट मीनिंग मीन्स ऐसा वर्ड जो बोलने में आवाज उसका सेम आता है लेकिन उसका जो होता है क्या होता है, तो अर्थ अलग होता है, इसको क्या कहते हैं, तो हैमोनिम, हैमोनिम मीन्स होता है श्रुति संभिनार्थ, श्रुति सब मतलब सुनने में एक जैसा लगेगा और क्या अर्थ क्या होगा अलग होगा, तो उसी को कहा श्रुति संभिनार्थ। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, मोनार्च, मोनार्च मीन्स होता है बादशाह राजा। तो इसका क्या हो जाएगा, ए सुप्रीम रूलर, क्या हो जाएगा, ए सुप्रीम लीडर, सॉरी ए सुप्रीम रूलर होगा, क्या होगा, सुप्रीम रूलर। आशा करते दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऑप्शन नंबर फोर में क्या, ए होली डे बीच इज टेकन बाय न्यूली मैरिड कपल। तो इसका वन सिचुएशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हनीमून, सुहाग रात मनाने का अवकाश, नया जिनका शादी तो उनका नया रात मनाने का अवकाश, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए में क्या है, होरोस्कोप, होरोस्कोप मीन्स होता है जन्म कुंडली या जन्म पत्री। इसका क्या होगा, इसका होगा ए डायग्राम ऑफ द हीवेन, हीवेंस सर्विंग सर्विंग द रिलेटिव पोजिशन, रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लांट,
सॉरी ए डायग्राम ऑफ हिवेंस शोविंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लांट एट द टाइम ऑफ पर्सन्स डेथ। तो इसका वनों सचेतन क्या हो जाएगा? होरोस्कोप। अब ऑप्शन नंबर होस्ट, होस्ट मीन्स मेजबान करने वाला, तो कौन मेजबान करने वाला? जो पुरुष मेजबान हो जाएगा, तो ए पर्सन हु, ए पर्सन हु इंटरटेन्स गेस्ट होगा, क्या होगा? गेस्ट, ऐसा व्यक्ति जो मेजबान को इंटरेस्ट करते हैं या मेहमान को, तो इसका क्या हो जाएगा? होस्ट मीन्स मेजबान करना। अब होस्टेस मीन्स क्या हो जाएगा? तो महिला मेजबान करता, इसका सिर्फ यहाँ पर वोमेन हो जाएगा, कहेंगे ए वोमेन हु इंटरटेन्स गेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ए डॉग यूज्ड फॉर हंटिंग मीन्स एक डॉग या ऐसा कुत्ता जिसे शिकार के लिए उपयोग किया जाता है, इसका वन एसोसिएशन क्या हो जाएगा? हाउंड। हाउंड ऑप्शन नंबर बी हाउंड होगा। अब ऑप्शन नंबर ए में है क्या? किडनैपर। किडनैपर मीन्स अपहरण करता, अपहरण करता। ऑप्शन नंबर ए किडनैपर मीन्स अपहरण करता, तो इसका क्या हो जाएगा? ए पर्सन हु कैरिज ऑफ समबडी बाय फोर्स, ऐसा व्यक्ति जो अपने बल के द्वारा कुछ व्यक्तियों को क्या करता, उठा ले जाते या ढो ले जाते, इसको क्या कहते हैं? किडनैपर। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? लॉन्ड्री। लॉन्ड्री मीन्स क्या होता है? तो लॉन्ड्री मीन्स कपड़े धोने की दुकान होता, कपड़े धोने की दुकान। तो होगा ए प्लेस वेयर क्लोथे आर वाशेड एंड प्रेसेड, ऐसा स्थान जहाँ पोशाक या कपड़ा को क्या क्या धोया जाता और उसको प्रेस किया जाता, इसे क्या कहते हैं? लॉन्ड्री। लॉन्ड्री मीन्स होता है क्या? कपड़े धोने की दुकान। अब ऑप्शन नंबर डी में क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी में है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट मीन्स क्या होता है? कैप्टन होता है या उपराज भी कहते हैं, तो उपराजपाल भी होता है लेफ्टिनेंट। इसका होगा ए जूनियर, ए जूनियर ऑफिसर इन द नेवी, ए जूनियर ऑफिसर इन द नेवी। तो आशा करते दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6, क्वेश्चन नंबर सी, ए बैगेज ऑफ ट्रेवल मीन्स यात्रा करने का सामान। इसका वर्णन सूचन हो जाएगा यात्रा करने वाले व्यक्ति का क्या सामान थी, इसका वर्णन सूचन हो जाएगा लुगेज। ऑप्शन नंबर ए लुगेज। लुगेज मीन्स हो जाएगा यात्री का सामान। अब ऑप्शन नंबर डी में क्या? लिक्वायर। लिक्वायर मीन्स होता है मदिरा, एनी अल्कोहलिक ड्रिंक होगा, एनी अल्कोहलिक ड्रिंक, एनी अल्कोहलिक ड्रिंक होगा। ऑप्शन नंबर डी सी में क्या है? मेडन। मेडन मीन्स अविवाहित महिला, अविवाहित जवान लड़की, ये भी कह सकते हैं। तो हो जाएगा ये ए यंग अनमैरिड ए यंग अनमैरिड वोमेन, इसका ये अंग
यह यंग अनमैरिड वुमेन मीन्स एक जवान औरत जिनका अभी शादी नहीं, जिसका वन सिचुएशन क्या हो जाएगा, मेडन। अब ऑप्शन नंबर डी में क्या, मेडन स्पीच मीन्स क्या होता है, मेडन स्पीच किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया पहला स्पीच या पहला भाषण, उसे कहते मेडन स्पीच। तो ए स्पीच, ए स्पीच बीच Which is delivered for the first time? ऐसा भाषण जो पहले बार किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं, मेड इन स्पीच। इसका वन ऑफ सब्सिट्यूशन है, इसका क्या हो जाएगा, मेड इन स्पीच वन ऑफ सब्सिट्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन, एन एनिमल डेट फीड इट यंग विथ मिल्क फ्रॉम द फीमेल मेमरी ग्लैंड। फीमेल मेमरी ग्लैंड मीन्स कह रहा है एक एनिमल जो खिलाने के लिए अपने फीमेल मेमरी ग्लैंड से अपने दूध से क्या करता है, पालता है, पोसता, उसे क्या कहते हैं, तो स्तनपाई जानवर। इसका वन ऑफ सब्सिट्यूशन हो जाएगा मैमल, मीन्स होता है स्तनपाई जानवर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए में क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स क्या था, पांडुलिपि जो हाथ से लिखा जाता है। तो राइटन बाय हैंड ए बुक और डॉक्यूमेंट्स, ए बुक डॉक्यूमेंट राइटन बाय हैंड, और टाइपेड ऐसा एक कोई बुक या डॉक्यूमेंट्स जो किसके हाथ या टाइपिंग के द्वारा लिखा जाता है, इसका वन ऑफ सब्सिट्यूशन क्या हो जाएगा, मोनोस्क्रिप्ट। मोनोस्क्रिप्ट मीन्स पांडुलिपि होता है। ऑप्शन नंबर बी में है क्या, मेरे मीन्स क्या होता, तो मेरे मीन्स होता है घोड़ी या गधी। तो ये इसका हो जाएगा ए फीमेल ऑफ डंकी, ए फीमेल ऑफ डंकी और क्या हॉर्स मीन्स क्या होता है, घोड़ी या गधी होता है। अब ऑप्शन नंबर डी में है मैट्रोन। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, तो मैट्रोन मीन्स होता है क्या, अस्पताल की प्रधान परिचारिका। तो इसका हो जाएगा ए वुमेन हु इज इन चार्ज ऑफ नर्सिंग नर्सिंग चार्ज ऑफ नर्सिंग इन ए हॉस्पिटल। ऐसा औरत जो हॉस्पिटल में नर्सिंग का चार्ज में है या काम में है, तो उसे क्या कहते हैं, मैट्रोन। मीन्स क्या होता है, मैट्रोन मीन्स होता है अस्पताल के प्रधान परिचारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आठ की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आठ में ए मैग्निफिसेंट टॉम्ब, एक मैग्निफिसेंट मीन्स विशाल मकबरा। तो इसका वन ऑफ सब्सिट्यूशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौसोलियम। मौसोलियम मीन्स होता है विशाल मकबरा, इसका वन ऑफ सब्सिट्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है मेडिको मीन्स मेडिकल, डॉक्टरी का तैयारी करने वाला स्टूडेंट, डॉक्टरी का तैयारी करने वाला स्टूडेंट। तो हो जाएगा ए मेडिकल स्टूडेंट मीन्स डॉक्टर का तैयारी करने वाला छात्र।
अब ऑप्शन नंबर सी में क्या है? मोनोमेंटो। मोनोमेंटो मीन्स क्या होता है? मोनोमेंटो मीन्स होता है यादगार या निशानी, यादगार या निशानी। इसका हो जाएगा समथिंग, समथिंग डैट, समथिंग डैट सर्व सर्वेज एज ए रिमाइंडर, सर्वेज ए रिमाइंडर मीन्स यादगार या निशानी। ऑप्शन नंबर डी में क्या? मेट्रोपॉलिटन मीन्स महानगर का निवासी होता है। ऑप्शन नंबर डी में है मेट्रोपॉलिटन मीन्स महानगर के निवासी। ए पर्सन हु लिव्स इन मेट्रोपोली, क्या हो जाएगा? ए इसका होगा ए इसका वन सिचुएशन हो जाएगा ए पर्सन हु लिव्स इन इन ए मेट्रो पोलिज, ऐसा व्यक्ति जो महानगर में रहता है उसे क्या कहते हैं? तो महानगर निवासी, जिसका वन सिचुएशन हो जाएगा मेट्रोपोलिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 9। ए टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज मीन्स क्या होता है? कॉजिंग डिजीज मीन्स संक्रमित रोगी, रोग का एक छोटा भाग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रोगाणु। इसका वन ऑफ सिचुएशन हो जाएगा माइक्रोब। ऑप्शन नंबर डी इसका वन ऑफ सिचुएशन हो जाएगा किसका? ए टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज मीन्स बीमारी के कारण एक छोटा जीव, उसे क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मीन सूक्ष्मदर्शी, तो होगा एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट, ऐसा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यंत्र जो वस्तु को क्या मैग्नीफाइंग पता करने और बारीक वस्तु करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगी इसका वन एसोसिएशन? तो माइक्रोस्कोप। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? मिलेनियम। मिलेनियम मीन्स क्या होता है? मिलेनियम मीन्स होता है 1000 वर्ष की अवधि। मिलेनियम मीन्स क्या होता है? 1000 वर्ष की अवधि। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर, ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर, ईयर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या? मिलियार्ड। मिलियार्ड मीन्स क्या होता है? तो 1 अरब, तो 1000 मिलियन हो जाएगा। 1000 मिलियन, 1000 मिलियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका वन ऑफ सब्जेक्शन माइक्रोब, इसका वन ऑफ सब्जेक्शन किसका? तो ए टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। 8000 टाइम्स ऑफ 1000 मीन्स क्या होता है? 1000000, इसका वन ऑफ सब्जेक्शन क्या हो जाएगा? मिलियन। ऑप्शन नंबर बी मिलियन हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए में क्या है? मिलियनेर। मिलियनेर ऑप्शन नंबर ए में है मिलियनेर मीन्स क्या होता है? तो लखपति, लखपति होता है, क्या होता है? तो लखपति होता है। तो इसका हो जाएगा ए मैन ऑफ मिलियंस, ए मैन ऑफ मिलियंस मीन्स लखपति।
ऑप्शन नंबर सी में कि माइनर। माइनर मीन्स क्या होता है, खनिक, जो कोयला का खनिक करता है। तो ए पर्सन हु वर्क इन माइन, ए पर्सन हु वर्क इन ए माइन, ऐसा व्यक्ति जो खदान में काम करता है उसे क्या कहते हैं, तो माइनर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी में है मिंट। मिंट मीन्स क्या होता है, टकसाल होता है। क्या टकसाल, जहाँ पे सिक्के ढाला जाता है या बनाया जाता है, जिसका हो जाएगा ए प्लेस वेयर क्वाइंस, वेयर क्वाइंस आर मेड, ऐसा स्थान जहाँ सिक्का बनाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, मिंट। मिंट मीन्स होता है टकसाल। अब दोस्तों अंत आपके लिए क्वेश्चन है, जिसका आप सही जवाब दें कमेंट बॉक्स में दें और ₹10 इनाम पाने का भागीदारी बने पेटीएम के थ्रू। तो ये डेट क्वेश्चन क्या है, डेट विच इज काउ लाइक मीन्स क्या होता है, अब आपको खुद पता है। तो इसका चार ऑप्शन दिया गया है, कमेंट बॉक्स में दें और